हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स अड्डा पे। मैं हीरालाल चौधरी। तो जैसे कि अपन कंपाउंड इंटरेस्ट अपना चल रहा था, उसके पार्ट 3 या 4 अपन ने कर लिए थे। 3 पार्ट, मेरे हिसाब से 4 पार्ट हो गए। आज अपन 5वां पार्ट उसका लेके चलेंगे। टाइम डिस्टेंस भी अपन रेगुलर साथ के साथ लेके चल रहे हैं। आप बढ़िया से सीख रहे होंगे। आपने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा होगा कि पहले आपने क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ा है। कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा कि क्या चीज आपको आती है और आप किस तरीके से उस चीज को आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे न्यू क्वेश्चनों के साथ। आज डिस्कस करने वाले अपन 2 साल पे चक्रवर्ती ब्याज के, 2 साल पे क्वेश्चन, जैसे उनके अंतर से रिलेटेड, 2 साल के साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज मैं लेके आया हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा 3 साल के अंतर पर और 4 साल के अंतर पर। परफेक्ट तरीका है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो देखोगे क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे मान लो उस चीज आपको पता होनी चाहिए और पता होती है। मैं आपसे ये पूछू, क्या 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कुछ डिफरेंट होता है क्या? मतलब 1 वर्ष का आप साधारण ब्याज निकालो, 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालो, उसमें कुछ अंतर पाया जाता है क्या? कैसे? जैसे सपोज रेट आपका मूलधन 100 रुपए है, रेट आपकी 10% है, टाइम आपका 2 वर्ष है। मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं, मैं इसका साधारण ब्याज निकालता हूं, तो आप ऐसे निकालोगे, सर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 से गुणा होगा तो 20 आएगा। 20 साधारण ब्याज आया 2 साल का। तो क्या हर साल 10 रुपये मिला है क्या साधारण ब्याज आपको? पहले साल में 10 रुपये और अगले साल में भी 10 रुपये। समझ में आ रहा है? पहले साल में 10 रुपये, अगले साल में भी 10 रुपये, तभी तो टोटल जाके 20 होगा। कहने का मतलब साधारण ब्याज हर साल में क्या होता है, बराबर चलता है अगर रेट आपकी इक्वल है। बिल्कुल, 20 रुपये साधारण ब्याज है। सपोज रेट 30 रुपये साधारण ब्याज होता 3 साल का, तो भी हर साल का 10 10 वो बढ़ता। या 40 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज होता तो हर साल का कितना, 20 रुपये। आज 1 साल का 20 रुपये, अगले साल का 20 रुपये, तो 40 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाता 2 साल का। तो ये चीजें ऐसे ही, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं, ये तो सीआई है, सॉरी ऐसा ही है, ये तो साधारण ब्याज है, टोटल 20 आ गया। मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करता हूं, तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है, ये ध्यान रखना। आपसे पूछ लेना एग्जामिनर एग्जाम में, पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाए कि 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितने का अंतर होता है, कि सर बिल्कुल अंतर नहीं होता, 0 अंतर होता है। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है, 1 साल के बाद में उनमें अंतर गैप आना स्टार्ट होता है, क्योंकि बाद में 1 साल के ब्याज के बाद में वो ब्याज पे ब्याज लेता है, तब वो अंतर बनता है। मैं समझाता हूँ, 1 साल का साधारण ब्याज आपका 10 रुपए है, तो मैं इसका चक्रवर्ती ब्याज में निकालूंगा ना 1 साल का, तो आपका 10 रुपए ही आएगा, ये 10 आने वाला है। अगले साल का भी 10 तो आएगा ही आएगा। अब देखो अगले साल पे गणित चेंज होगा, आपका क्या होगा, अगले साल 10 तो आएगा आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा क्या होगा, जो भी पहले साल आपको ब्याज मिला, जो भी पहले वर्ष में जो आपको ब्याज मिला, उसका एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा आपको, कितनी परसेंट की दर से, जो भी आपको परसेंट दे रखी है उसी परसेंट की दर से। तो 10 का मैं 10% निकालता हूं, ऐसे निकलेगा 10 का 10% परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा बट्टे में 100 का भाग, ये 1 रुपये आएगा, ये एक्स्ट्रा आएगा। समझ पा रहे हो? देखो मैंने क्या किया, 100 रुपये आपका मूलधन था, रेट 10% थी, टाइम 2 वर्ष था। मैंने इसका कोशिश ये करी कि मैं इसके 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में इसका निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसका 2 साल का साधारण ब्याज मैंने निकाला, 20 रुपये है, हर साल 10 10 रुपये आएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है हर साल के लिए। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है, दिमाग में बैठा लेना, और आपसे अंतर पूछ ले तो 0 होता है। देखो 10 में से 10 गया तो 0। पहले साल का साधारण ब्याज बराबर होगा किसके, चक्रवर्ती ब्याज के, पहले साल के। अगले साल में चक्रवर्ती ब्याज निकालता हूं दूसरे साल का, तो 10 तो होगा ही होगा, ये तो पैरेलल चलेगा, ये 10 यहाँ पे आ गया, ये तो होगा ही होगा। एक्स्ट्रा क्या होगा, पहले साल का जो ब्याज आया ना उस पर आप ब्याज लोगे, कितने परसेंट की दर से, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उतने परसेंट की दर से। तो ये चीज समझना, आपसे टोटल चक्रवर्ती ब्याज पूछता 2 साल का 10 10 20 और 1 कितना हो गया, 21 रुपए। ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है कि सर 10 और 10 20, ये तो साधारण ब्याज आ रहा था यहाँ पे, देखो 10 और 10 20,
ये जो एक्स्ट्रा है ना, यही तो अंतर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपन थॉट प्रोसेस जो भी यूज करेंगे, जो भी अपना तरीका होगा, यहाँ पे तो अंतर रहेगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इन तीनों को अपन जोड़ देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज क्या होगा, अलग से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 10 और 10 20 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। कि नहीं सर समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ये चीजें समझ में आने लगेगी आपके कि सर ब्याज पे ब्याज कैसे लगता है। जैसे सपोज डेट, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मूल देना आपका 400 रुपए, या आप 100 रुपए मान लो, कुछ भी मान सकते हो ना, रेट 20% टाइम 2 वर्ष, इसका मैं साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज को पकड़ा करो, या कुछ भी निकाल सकते हो, एक साल का साधारण ब्याज डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि सर इसका 20% होगा, 100 का 20% निकालूंगा तो 20 ही आएगा, एक साल का साधारण ब्याज 20 तो अगले साल का भी 20 होगा, टोटल साधारण ब्याज आएगा 40 दो साल का। कैसे, या तो आप फॉर्मूले में रखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 दो से गुणा होगा तो कितना आएगा 40। 40 दो साल का ब्याज है, क्योंकि समय आपका कितना है यहाँ पे 2 वर्ष, मैं 2 वर्ष की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ऐसा ही की, क्या पहले साल में आपका ब्याज 20 रुपए रहा है क्या, और अगले साल में भी 20 रुपए रहा है क्या साधारण ब्याज, तभी तो देखो 40 रुपए आएगा। अब बोलो कि बिल्कुल सही बात है साहब, पहले साल 20 रुपए, अगले साल 20 रुपए, तभी तो टोटल 40 रुपए। अब बात कर रहा हूं चक्रवर्ती ब्याज की, सीआई की, तो क्या पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है? अच्छे से आपने समझ लिया कि बराबर होता है सर, पहले साल में साधारण ब्याज 20 है तो चक्रवर्ती ब्याज भी कितना होगा, 20 होगा, तो अगले साल में दूसरे साल में 20 तो होगा ही होगा। एक्स्ट्रा क्या होगा सर, एक्स्ट्रा होगा सर इसका ब्याज पे ब्याज लगेगा कितने परसेंट की दर से, जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में पहले तो 10% था, इस बार 20% दे दिया, तो इसका 20 का मैं 20% निकालू, कैसे निकालोगे सर, 20 का 20% ये निकाल लिया साहब, परसेंटेज का चिन्ह यहां से हटाऊंगा, बटे में 100 का भाग लग जाएगा हटते ही, 2 गुणा 2 कितना आएगा 4, 4 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपसे पूछ ले दो साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितने का है, 4 रुपए का, यहाँ पे अंतर ही आएगा। देखो टोटल चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो 20 20 40 और 4 कितना 44, टोटल चक्रवर्ती ब्याज तो होता आपका 44, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 40, अंतर देखते हो 4 रुपए का यार, अंतर यहाँ हमेशा यहाँ पे पाया जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं इससे रेट निकालू, देखो क्या क्या पूछेगा, अंतर पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा, मूलधन पूछ लेगा, दर पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन बनता है, या तो अंतर पूछेगा, दर पूछेगा, या मूलधन पूछेगा। इस दो साल से रिलेटेड ही अपन आज करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना एग्जाम में आते रहते हैं। अब मैं यहां से अगर ये रेट नहीं होती, सपोज रेट ये आपको अंतर दे देता, ये रेट में निकालू, अब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी, मैं यहां से रेट निकालता हूं। देखो मान लो अभी ये 20% आपको पता है कि नहीं सर मेरे को रेट पता हो, रेट पता नहीं हो मेरे को, रेट निकालनी हो, तो मैं ये कहता हूं कि सर 20 रुपए पर आपको 4 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल का, बिल्कुल मिलेगा कि सर 20 रुपए पे 4 रुपए ब्याज मिलेगा, किस रेट से, मैं बोल देता हूँ R% रेट से, मैंने 20 को हटा दिया, भूल जाओ 2 मिनट के लिए 20 रेट थी, मैं रेट निकालना सिखा रहा हूं इस प्रोसेस से, कि सर 20 का मैं R% निकाला था ना, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100 आए, तभी तो 4 आया था, बिल्कुल तभी 4 आया था, 20 रुपए का मैं R% निकाला था तभी तो 4 आया था। अब देखो 20 का भाग मैं 100 में दूंगा, 5 बार जाएगा, 5 4 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20%। क्या आपकी रेट 20% ही थी क्या, बिल्कुल आपकी 20% ही थी। तो इसमें समझ आप समझ में आ जा आपके आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तो आएगा अंतर, टोटल तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 2 साल का, ये साधारण ब्याज है ही, अंतर यहाँ पे आएगा। आपसे पूछ ले ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ, देखो ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज, ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज तो ये हो गया 44, ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आएगा, ये रहा देखो ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज पूछे ना चक्रवर्ती ब्याज में, 20 प्लस 4 कितना आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप बोलोगे सर 24, ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज 20 प्लस 4, और इसी से बेस्ट क्वेश्चन बना है, इसी पे बेस क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन में लेके आया हूं, और आए हुए क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आ जाओ, आज का पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से अपन करेंगे। कंफ्यूजन पता है क्या, वो देता है दूसरे वर्ष का ब्याज इतना है, तो उसको बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये सर 2 वर्षों का ब्याज दे रहा है ना,
दूसरे वर्ष का ब्याज और दो वर्षों का ब्याज रात दिन का अंतर है लैंग्वेज में, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 4% की दर से दूसरे वर्ष में, ढंग से पढ़ लेना, 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन बताओ। 4% रेट है मूलधन आपसे पूछा, तो मूलधन मैंने मान लिया कि सर 100 इकाई है मूलधन, दिया हुआ नहीं है तो मानना पड़ेगा। रेट आपको दे रखी है 4%, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ओनली दूसरे वर्ष का, दो वर्षों का नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं CI, वो आपको दे रखा है 208 रुपए। तो आपसे मूलधन पूछा है कितना होगा, मूलधन अपन ने मान लिया ये दूसरे ओनली फॉर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 208। कैसे निकाले सर, कि अभी आपने बताया कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसका मैं 100 का 4% निकाल लूं, या आप साधारण ब्याज निकालते हो। देखो अंतर भी पूछ लेता, सपोज डेट इसमें अंतर पूछता, अभी मूलधन पूछा, मूलधन निकालते हैं पहले, तो 8 रुपए आता भाई साधारण ब्याज, अगर 100 मूलधन होता तो 8 रुपए होता, तो 4-4 मिलता, तो इसका मैं 4% निकालूंगा तो 4 इकाई आएगा। पहले साल का क्या 4 इकाई आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा क्या, CI मिलेगा क्या आपको, क्योंकि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या साधारण ब्याज निकालो वही आने वाला है। इकाई क्यों माना सर, मूलधन 100 इकाई था, इसलिए अपने 100 इकाई मूलधन दे नहीं रखा ना, वही निकालना। तो दूसरे साल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, कि सर 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 इकाई तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, कि सर 4 इकाई पे जो भी परसेंटेज मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में उतना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी। 4 का 4% में निकालता हूं, 4 का 4% ऐसे निकलेगा क्या, 4 चौक 16। अब इसको 4 से मत काटना, देखो 16 में मैं 100 का भाग दूंगा, बट्टे में 2 जीरो तो ऊपर पॉइंट आएगी, 2 का भाग दूंगा ना 2 जीरो का, मतलब 100 का भाग दूंगा तो ये 0.16 यानी 0.16 आप बोल दो इसको, बोला नहीं जाता बट बोल दो आप, ये 16 इकाई एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो आपसे पूछा 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, आगे सब क्वेश्चन आएंगे। तो ओनली क्या दे रखा है इसमें, दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है 208। आपके अकॉर्डिंग कितना आया दूसरे वर्ष का, ओनली फॉर दूसरे वर्ष का, दो वर्षों का नहीं, ओनली फॉर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 4.16 इकाई। ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 208। मैं यहां से देखो दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, मैं यहां से 2 पॉइंट हटाता हूं, बट्टे में 100 का भाग लग जाएगा क्या, और इसको 2 के पहाड़े से काटता हूं मैं, ये 50 बार 100 में 2 का भाग, और 416 में 2 का भाग 208 बार जाएगा। 416 में मैंने 2 का भाग दिया 208 बार गया, 100 में मैंने 2 का भाग दिया 50 बार गया, 208 से 208 कट गया, कटा या नहीं कटा बताओ, कट गया साहब। अब यहां से तो एक बचा है, 50 क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला जाएगा, 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 50 रुपए आ गया। मूलधन कितना इकाई होता है, मूलधन 100 इकाई आपने माना है, तो 100 इकाई का मान 1 किलो लड्डू 50 रुपए के आते हैं, तो क्या 100 kg लड्डू 5000 के आएंगे क्या, यही आपका क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, एक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर क्या कर रहे हो आप, है ना, बिल्कुल बस मजे से पढ़ते रहो। देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। 420 रुपए दूसरे वर्ष का ब्याज है, ओनली फॉर दूसरे वर्ष का, रेट 5%, मूलधन आपसे पूछा, मैं मान लिया कि 100 इकाई है, रेट आपको दे रखी है कितनी 5%, ओनली दूसरे वर्ष का CI 420, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 420 दे रखा है। तो आप क्या करोगे कि सर पहले 100 का मैं 5% निकालूंगा, 5 ही आएगा, कि सर पहले साल 5 इकाई मेरे को मिलेगा, तो अगले साल क्या मिलेगा सर, मेरे को 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा इसका, 5 का जो भी परसेंटेज दे रखा है 5%, समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे बिल्कुल आएगा। मैं 5 का 5% निकालता हूं, तो ऐसे निकालूंगा क्या, 5 दूनी, अब इसको या तो 25 बना लो, 25 का भाग इसमें दे सकते हो डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, या आप ऐसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करो कि 25 5 गुना 5 25 हो जाएगा, बट्टे में 100 है, अब मैं 25 में 100 का भाग दूंगा तो क्या 0.25 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर।
0.25 आएगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज ये होगा क्या टोटल? देखो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या टोटल 5.25 होगा क्या? बिल्कुल होगा, 5.25 इकाई दूसरे वर्ष का ब्याज है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 420 रुपए बराबर लिख दिया कि दूसरे वर्ष का, ओनली फॉर दूसरे वर्ष का, दो वर्षों का होता तो 5.5, 10, 10.25 होता, बट ओनली फॉर दूसरे वर्ष का है 420, तो मैंने 5.25 को 420 के बराबर रख दिया। यहाँ पे दो संख्या छोड़ के पॉइंट में बट्टे में दो जीरो आ जाएगा, 525 और 100, बढ़िया से 25 के पारे से आप इसको काटो, देखो 25 दो ना 50 बच गए, दो हो गए 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी आपसे, मेरी गारंटी, आप सीखते जाओ। बराबर में 420 है, 21 का भाग में 400, अब देखो 21 है यहाँ पे, यहाँ पे 42, क्या 21 दो ना 42 होता है, जीरो पीछे पड़ा है, चार क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो क्या एक इकाई का मान 4 × 8 = 80 रुपए आ जाएगा क्या? देखो 4 20 से गुणा हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, एक बचा है, मूलधन 100 इकाई होता है, तो जीरो चिपका दो, अच्छे से पड़ा है, एक लड्डू 80 रुपए का, तो 100 लड्डू कितने के आएंगे? आप बोलोगे सर 8000 रुपए के, यही आपका आंसर। अब समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल आ जाएगा आगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे मत लेना कि सर एग्जांपल लेना है, आए हुए क्वेश्चन आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, ठीक है, 8000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मजे आएंगे आज आपको क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दो वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए, तो इसी धनराशि समान दर से तथा समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है, दो वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे दिया कितना? 100 रुपए, रेट रखिए 5%, है ना, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, दो वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है, रेट 5% है, साधारण ब्याज है 100, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपसे, पूछ लिया 5% की दर से उसी धनराशि पे दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, देखो कैसे निकालो। अब आप क्या आएंगे, वो तरीका काम में जो मैंने अभी बताया, ये सीआई एसआई और ये सीआई एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब इसका देखो क्या है, टोटल ब्याज कितना मिला आपको? आप बोलोगे सर 100 रुपये ब्याज मिला, कितने वर्षों का? दो वर्षों का, दो वर्षों का 100 रुपये साधारण ब्याज मिला, क्या पहले साल 50 रुपए ब्याज मिला है क्या, और अगले साल 50 रुपए ब्याज मिला है क्या? तभी तो 50-50 100 रुपए होगा, पहले साल का साधारण ब्याज 50, अगले साल का भी 50, तो दो वर्षों का कितना हो जाएगा? 100। तो आप ये कह सकते हो कि सर मेरे को पहले साल में चक्रवर्ती ब्याज भी 50 ही मिलेगा, क्यों? एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होगा, तो दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा? 50 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा, इसका जितना भी परसेंट आपको दे रखा है, और कितना परसेंट दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 5% दे रखा है, तो मैं इसका 5% निकालूं। अब मैंने बोला किसी भी संख्या का 10% निकालते हो तो 10 का भाग दे दो, इसका 10% कितना आएगा? 50 का 5, तो 5% 5 का आधा हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा, या आप ऐसे निकाल लो कि सर 50 का मेरे को 5% निकालना है, बट्टे 100, परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो बट्टे में 100 आता है, 50 का भाग 100 में 2 बार, 5 में 2 का भाग दूंगा तो 2.5 आएगा, ये 2.5 आएगा, क्या यही अंतर होता है क्या? आपसे पूछ लेता इस क्वेश्चन में, अंतर पूछता दो वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितने का आता? 2.5 रुपए का, बट आपसे पूछा है दो वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना, 50-50, 100, 2.5 कितना हो जाएगा? 102.5 रुपए आपका सीआई होगा दो वर्ष का, दो साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा। फॉर्मूला भी आपको देखो, मैं फॉर्मूला भी होता है इसका, दो वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालने का, वो आगे मैं बताऊंगा, यूज नहीं करेंगे बताना, आपको याद तो उसको करना पड़ेगा, क्यों यूज नहीं आएगा, बट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता उस पर कई बार, तो अभी आपका आंसर ये आएगा 102.5 रुपए, इसके पीछे जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेकोरेशन होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है, तो मेरी मेहनत आपके साथ है, बढ़िया से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितनी कोशिश हो सकती है ना बिल्कुल इजी से इजी बनाने की वो मैं कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक निश्चित धनराशि पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से, दो वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए, उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वही क्वेश्चन है,
रेट 6%, टाइम 2 साल का ही है, साधारण ब्याज दे दिया 300 रुपए और आपसे पूछ लिया ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 300 रुपए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो भाई साहब कि 2 वर्ष का मैंने आपको दे दिया साधारण ब्याज 300 रुपए है, रेट 6% है, अब आप मेरे को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, कैसे बताओगे? बिल्कुल ईजी कि सर 2 वर्ष में 300 रुपए मैंने कमाए तो पहले साल साधारण ब्याज तो बढ़ता है ना बराबर, 150 रुपए साधारण ब्याज मिला होगा क्या, और अगले साल भी क्या 150 रुपए साधारण ब्याज मिला होगा क्या? बिल्कुल, मैंने कहा आप तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, पहले साल 150, अगले साल 150, तभी तो 300 होगा। ओके सर, आपने हमको अच्छे से बता दिया आप कि 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, पहले साल में 150 रुपए साधारण ब्याज है तो चक्रवर्ती ब्याज भी क्या 150 होगा क्या? मैंने कहा वाह यार बिल्कुल बराबर होगा, अच्छे से सीख रहे हो आप। अगले साल में क्या होगा कि सर मेरे को ये तो मिलेगा मिलेगा 150, तो ये तो मिलने वाला है ही, एक्स्ट्रा क्या है कि सर मेरे को इस पे जो भी परसेंटेज दे रखी है उतना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ये पहले साल का ब्याज है, इसमें मैं ब्याज पे ब्याज लूंगा, तो कितने परसेंट से 6% मेरे को दे रखी है, तो 150 का 6% क्या ऐसे निकलेगा क्या? 0 से 0 कट गया, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 × 3 से गुणा हो जाएगा तो 9। क्या 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 9 रुपए आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर, यहाँ पे अंतर होता है। आपसे पूछा टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 150, 150, 300, 9 कितना, 309। ये 2 वर्ष का क्या हो जाएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, CI हो जाएगा। क्या आप चीजें समझ पा रहे हो क्या, बढ़िया से सीख पा रहे हो क्या? ये प्रोसेस आपको यूज करना है, इस पे दर पूछे, रेट पूछे, मूलधन पूछे, कुछ भी पूछ लेगा ना, वही क्वेश्चन में लेके आया हूं, 100% आप निकाल दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगले क्वेश्चन पे आओ, आज का अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पे 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए, उसी साधारण ब्याज 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए, साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि बताओ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मजेदारी क्या है, साधारण ब्याज भी दे दिया, चक्रवर्ती ब्याज भी दे दिया, दर नहीं दी ना ही मूलधन दिया, दोनों ही निकालने हैं, समझ रहे हो आप? आपको ऐसा ही दे दिया, आपको CI भी दे दिया, ठीक है, साधारण ब्याज भी 2 साल का मिल गया, चक्रवर्ती ब्याज भी 2 साल का मिल गया, आपको निकालना मूलधन होता है, कितना कितना दिया है वो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। देखो साधारण ब्याज आपका कितना है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज आपका 100 रुपए 2 साल का, बात 2 साल की हुई, आज अपन 2 साल पे क्वेश्चन कर रहे हैं, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 100, तो अंतर कितने का आएगा? आप बोलोगे सर अंतर 5 रुपए का है, साधारण ब्याज 2 साल का 100 रुपए, क्या पहले साल का 50 होगा क्या? अब देखो बढ़िया से आप सीख गए हो बहुत बेहतरीन तरीके से, क्या दूसरे साल का भी 50 होगा क्या, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, पहले साल साधारण ब्याज 50 है तो क्या पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज भी 50 होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर। अगले साल क्या होगा सर, 50 तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा, इसका परसेंटेज निकल के आता है, और यहां पर आपने बता दिया इनका अंतर आता है, जो भी परसेंटेज निकल के आएगा वो अंतर आएगा। अब अंतर देखते हो 100 और 105 में कितने का अंतर है, 5 का, भाई इसको 105 बनाना है चक्रवर्ती ब्याज, 50 50 100 5 कितना हो जाएगा 105। और मैं बार बार यही तो कहता हूं, यहाँ पे 2 साल में पूछे ना क्वेश्चन, यहाँ पे इस चीज में 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आता है, तो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 100 है, ये 105 है, अंतर कितने का 5 का। अब 5 ही आ गया, कैसे आया सर, कि सर मैं इसका आर परसेंट निकालता हूं ना 50 का, तो मेरे पास 5 आता है। देखो पिछले क्वेश्चनों में आप ऐसे ही करो, तो मैं 50 का आर परसेंट निकालता हूं, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा बटे में 100, तो मेरे को 5 मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। 50 का भाग में 100 में कितनी बार दूंगा, 2 बार, 5 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10%, यह आपकी दर आ गई। एक तो दर पूछा, दूसरा आपसे मूलधन पूछा, समझ में आया क्या, दर कैसे आई, दर निकाल लिया, अब मूलधन निकाल सकते हो, मूलधन किसको पकड़ के निकाल, साधारण ब्याज को पकड़ के निकालो भाई, चक्रवर्ती ब्याज से भी आप निकाल सकते हो ऐसे नहीं मूलधन, पर चक्रवर्ती ब्याज आप 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, साधारण ब्याज में तो टाइम ही नहीं लगेगा, कैसे, बेसिक फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो कि सर मैं कैसे निकालू,
मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 10% आपकी रेट आ चुकी है। अब मैं यूज करने वाला हूं इसका मूलधन निकालने के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो कैसे निकालोगे, मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं, जगह नहीं है कि सर मेरे पास मूलधन निकालना है, रेट मेरे पास 10% आ गई, टाइम 2 वर्ष है, बटे में 100। साधारण ब्याज ऐसे ही निकलेगा क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 साल का साधारण ब्याज कितना था, अभी आपको पता है 100 रुपए था या नहीं, 0 से 0 कट गया, 10 100 से गुणा होगा। बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन क्या आता हूं मैं, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60.6 रुपए और साधारण ब्याज 60 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि बताओ। देखो आपका ऐसा ही साधारण ब्याज तो 60 दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 60.6 रुपए। कंडीशन हुई 2 वर्ष की, मैं कह रहा हूं 2 वर्ष को लेके मैं चल रहा हूं, 3-4 अगली क्लास में आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर 2 साल का 60 रुपए, तो पहले साल का 30 और अगले साल का भी क्या 30 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो क्या पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 30 रुपए होगा क्या? बिल्कुल होगा। और अगले साल में क्या होगा, 30 तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा इसका आर परसेंट। भाई पहले साल में जो ब्याज मिला उसकी जो क्वेश्चन में रेट दे रखी है उस पर उसी हिसाब से ब्याज लगेगा, वही एक्स्ट्रा यहाँ पे आता है और वो इनका अंतर बन जाता है। तो अंतर कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 0.6 का अंतर है, 60.6 और 60 में कितने का अंतर है, 0.6 का। ये कैसे आया सर कि मैं सर 30 का आर परसेंट निकालता हूँ, 30 का मैं आर परसेंट निकालता हूँ, ऐसे निकलेगा, तब मेरे को 0.6 मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है सब। 0 से 0 कट गया, कट गया, 3 देखो ऊपर है, 3 का भाग मैं इसमें दे सकता हूं। अब यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा, ये ध्यान रखना, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा, बटे में 0 लग जाएगा, पॉइंट हट गया। 3 का भाग मैं इसमें दूंगा, 3 दूनी 6, 10 से 10 भी कट गया, नीचे से नीचे संख्या कटती, ऊपर से ऊपर, तो आर का मान आपके पास आ गया 2%। ये कैलकुलेशन है, समझ में आ जाएगी। 30 का मैं आर परसेंट निकालता हूं तो 0.6 मिलेगा, 0 से 0 कट गया, 0.6 था, तो एक पॉइंट संख्या में एक पॉइंट छोड़ के संख्या थी, तो बटे में पॉइंट डालूंगा, 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट गया, 10 से ये 10 कट गया। 6 में मैं 3 का भाग दूंगा, आर का मान 2% आ जाएगा। अब मूलधन किसान, मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज को पकड़ लो, साधारण ब्याज को मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे देखो पी निकालना है, रेट 2% और समय भी 2 वर्ष, रेट 2% समय भी 2 वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 साल का साधारण ब्याज कितना, ये रहा क्वेश्चन में 60 रुपए, ये 2 दूनी 4 या 2 के पहाड़े से मैं काटता हूँ 30 बार, फिर 2 के पहाड़े से काटता हूँ कितनी बार, 15 बार, है ना। तो कितना आ गया, यहां से पूरा कट गया, आप 2 दूनी 4 का भाग यहाँ पे भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही दे लो, 115 से गुणा होगा तो क्या मूलधन 1500 रुपए आ जाएगा क्या, क्या मूलधन 1500 रुपए आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर, मूलधन आपका 1500, रेट 2%, ये आपका आंसर होगा। समझ में आई चीजें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप चीजें अच्छे से सीख गए हो, क्या आपसे मूलधन पूछे दर पूछे आंसर आप इजीली निकाल दोगे। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए, तो वह धनराशि बताओ। मूलधन आपसे पूछा है, पी आपसे पूछा है, ठीक है, रेट आपको 10% दे रखी है, ठीक है, रेट 10% दे रखी है, टाइम हुई 2 वर्ष, क्योंकि अपन बात ही आज 2 वर्ष की कर रहे हैं, और CI और SI का अंतर आपको दे रखा है, इस बार अंतर दे दिया, कितना है अंतर दे रखा है 500 रुपए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए, तो वो धनराशि बताओ। पी आपसे पूछा है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, क्वेश्चन करने में सहूलियत होगी। पी आपसे पूछा है, तो मैं पी को क्या सुई का ही मान लू, क्या सुई का ही मान लेता हूं, आर 10% है, ठीक है, टाइम 2 वर्ष है, और CI और SI का अंतर मेरे को 500 रुपए दे रखा है, ठीक है, ये 500 रुपए दे रखा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन पे अपन आते हैं कि सर 10% 2 वर्ष, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल में मेरे को क्या 10 रुपए मिलेगा क्या, या 10 इकाई मिलेगा क्या। 100 का मैं 10% निकालता हूं तो 10 ही आएगा, पहले साल का है, मैं CI की बात कर रहा हूं, तो अगले साल भी क्या 10 तो मिलेगा ही मिलेगा,
दस तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा कि सर इसका 10% कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना आएगा 10% निकालते हो, ये देखो 0 से 0, 0 से 0, ऐसे नहीं जीरो आ गया, एक आएगा। और ये यहां पे क्या होता है, आप बोलोगे सर यहां पे तो अंतर होता है। अब ऐसे इसका साधारण ब्याज निकाल तो कितना आएगा 20, पहले साल का 10 दूसरे साल का 10, इधर लिखने में कोई फायदा नहीं है उसका। अब इतनी चीजें आप सीख गए हो कि पहले साल का 10 साधारण ब्याज, अगले साल का भी 10 साधारण ब्याज, टोटल 20। तो मैं यहां से शुरुआत कर लेता हूं ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अंतर यहां पे ये आता है, वैसे भी देखते हो 10 10 20 और 21 और 10 10 20, दोनों में एक का अंतर, यहां पे हमेशा अंतर आएगा। यहां पे अंतर आया एक का, एक इकाई का अंतर आया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 500 का, क्वेश्चन में 500 रुपए का अंतर है। मूलधन कितना माना आपने, 100 इकाई, तो या तो यहां पे ऊपर ही जीरो चिपका दो। एक केजी काजू कतली 500 रुपए की आती है, एक किलो काजू कतली 500 रुपए की आती है, घर में प्रोग्राम है, बढ़िया, घर वालों ने बोला 100 किलो काजू कतली ला, तो आप बोले सर एक किलो 500 रुपए की आएगी, तो केजी आपको लानी है, तो उस हिसाब से पैसे बता देता हूं मैं आपको, मेरी मैथ बढ़िया है, तो उस हिसाब से आप मेरे को पैसे दे दो। ये चीज आप अपने पिताजी को बता रहे हो, 4 जीरो लगेगी ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 50,000 आया समझ में। अंतर देके आपसे मूलधन पूछा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं एक एक दो दो क्वेश्चन हर टाइप से आपको बता रहा हूं कि 2 वर्ष में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बाद 1% एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये दिमाग में बैठा लेना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या क्वेश्चन है, मतलब अंतर देके आपको मूलधन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। अब देखो क्या क्वेश्चन, क्या अंतर पूछेगा आपसे, क्या करना है। पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, 2500 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। इसमें आपको अंतर बताना है, 2500 रुपए की धनराशि है, मूलधन आपका 2500 है, पहले अंतर दे रहा था फिर मूलधन पूछ रहा था। 2500 रुपए की धनराशि, रेट 6% है, टाइम 2 वर्ष है, रेट 6% टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको बताना है। करना क्या है कि सर मैं एक काम करता हूं, इसका साधारण ब्याज निकाल लेता हूं। कैसे निकालोगे, 2500 का 6% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज, ऐसे निकालोगे क्या, 6 से गुणा होगा तो 150, 150 2 से गुणा होगा तो 300 ब्याज आया, कौन सा, साधारण ब्याज आया। तो आप ये कह सकते हो कि सर हर साल 150 मिलेगा, तो मैं यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज को पकड़ता हूं कि पहले साल साधारण ब्याज 150 है तो चक्रवर्ती ब्याज भी कितना होगा, 150 होगा, अगले साल 150 तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा कि सर 150 तो आएगा ही आएगा, पहले वाले ब्याज का 6% एक्स्ट्रा आएगा, तो 150 का मैं 6% निकाल लेता हूं, 0 से 0 कट गए, 5 के पाड़े से ये 3 बार, ये 2 बार, और 2 का बाद 6 में 3 बार, 3 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 9। तो आपसे पूछा क्या है, अंतर पूछा है, और यहां पे हमेशा अंतर ही तो आता है ना, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का यहां पे अंतर ही तो आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 9 रुपए होगा, आपसे पूछा ही है। अब वैसे निकालते तो 150 150 300 300 सॉरी 150 150 300 और 9 कितना, 300, साधारण ब्याज 300 है और चक्रवर्ती ब्याज 300, फिर भी देखते हो 9 का अंतर, दिमाग में बैठा लो यहां पे अंतर आता है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीजें, मजे से पढ़ो, मैं कह रहा हूं ना, मैंने जॉब ली है, फटाफट क्वेश्चन सोल्व होंगे फटाफट। जो चैनल पे नए हैं मेरे भाई या बहन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताओ ये चीजें। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या इसी टाइप का मैं लेता हूँ, 625 रुपए की धनराशि पे 8% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताना है। 625, रेट 8% टाइम 2 वर्ष, वो अंतर बताना है, CI माइनस SI बताना है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष की बात चल रही, तो आप कह रहे हो सर मैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालू, बिल्कुल निकालो, 625 का 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यही होगा, सिंपल सा तो चीज है, मैं इसको सोल्व करता हूं, आराम से काट सकते हो, देखो 625 और 100, 25 के बारे से डिवाइड हो जाएगा, 2 के पाड़े से भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं कि सर मैं 2 का भाग देता हूं, अभी इससे मत काटो, आप 2 का भाग दूंगा 50 बार, फिर इसमें 2 का भाग दूंगा 4 बार, और ये 25 बार,
अब मैं 625 में 25 का भाग दे देता हूँ, 25 बार चला जाएगा, यहां से 25 गुना 4 बचा, तो साधारण ब्याज आएगा 100 रुपए दो साल का। तो क्या हर साल 50 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा क्या? पहले साल में 50 मिला तो अगले साल में भी 50 मिलेगा क्या? अब मैं यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, सीआई एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? पहले साल में 50 तो अगले साल में 50 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? सर इस पे जो रेट दे रखी है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पे जो आता है वो दो साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। मैं 50 का 8% निकाल लेता हूं, जीरो से जीरो कट गया, 5 × 2 = 10, 8 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो आपसे पूछा है कि दो साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर आएगा? आप बोल दो 4 रुपए का अंतर आएगा, ये आपका आंसर है। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप इसको एड करते हो, 104 बनता है, ये 100 बन जाता है, फिर भी आप देखते हो 4 रुपए का ही अंतर है। यहाँ पे जो आएगा वो अंतर आएगा, इन दोनों को आप जोड़ देते हो, इन दोनों को, तो ओनली फॉर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आता है, इन तीनों को जोड़ देते हो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। ये तो आपको सीखना है, ठीक है? बाकी अपन करते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन रह गए अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से आप पढ़ते रहो, परफेक्ट तरीके से पढ़ो, 100% में। यहाँ पे देखो कितना परसेंट लिख रहा हूं, जॉब आपको मिलेगी ये लिखा लो मेरे से, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कितना है वैसे कमजोर, आपको मैं कंप्लीट प्रिपेयर कराऊंगा। ये तरीके ऐसे हैं, आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार देखो, माइंड में सेट हो जाएंगे, 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया ना, 100% माइंड में सेट हो जाएंगे, यूं दिमाग से कहीं नहीं जाएंगे फिर, और एग्जाम में क्वेश्चन यूं बनेंगे आपके विद इन। मैथ आपको इतना बर्डन लगता है ना आपको कि नहीं सर मैथ क्या है मेरे लिए, बिल्कुल इजी, वही सब्जेक्ट है ना आपके लिए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है? अच्छे से मेहनत करते रहो, मेरे कहने का मतलब ये, मैं तभी ये एक ऐसा मिलेगा मेरे को कि हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसका मेरे को आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट वही है कि आप अच्छे से आप जॉब लगो, अच्छे से आपका रिजल्ट बने, वही मेरा आउटपुट है, ठीक है? तो पढ़ते रहो अच्छे से, मजे से तैयारी करते रहो, लगे रहो अपने काम पे। आज के लिए बस इतना ही, जो नए बंदे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय।